ये जो गिफ्ट आपने मुझे भेजा है ये मेरे लिए ही है ना? आप ही के लिए है। तूने सक्सेना की आंखों में मिर्ची डालकर अच्छा नहीं किया। अरे मैं तिवारी भैया की तरफ से आया हूँ, आज उनके यहाँ माता की चौकी है, थोड़ी देर में आप आइएगा जरूर। माता की चौकी? जी, जी, जी। मैं जरूर आऊंगी। वो बुड़बक नाइटी पहन के घूम रहा है, अरे पैंट सेट का अकाल पड़ गया है। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसे कोनो बात नहीं है, वो का है ना ये नाइटी का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट ले रहे हैं। अरे फोन दो गधे को, कहाँ है बैल, बुलाओ। हाँ हाँ हाँ, लड्डू के भैया, ये लड्डू के भैया, अम्मा जी बात करना चाहती हैं बिजनेस के बारे में। नाइटी वाली बात बकदी होगी ना अम्मा जी के सामने। हाँ अम्मा। अरे का रे बैल, हैं तू नाइटी पहन के घूम रहा है? का है ना अम्मा, वो नाइटी का बिजनेस करने की सोच रहे हैं ना तो। अरे वो तो ठीक है कि तू बिजनेस कर रहा है, लेकिन कल को सिंदूर का बिजनेस करेगा तो कमांग भर के घूमेगा है बुड़बक कहीं का। देख ले सीधे से सुधर जा, अभी कभी नाइटी उतार नहीं था कि देंग धोबी पछाड़ बता रहे हैं। ठीक है अम्मा, दिमाग से एकदम पैदल हो तुम, समझी? क्या जरूरत थी सब बोलने की तुम? तिवारी जी, गौर अनर्थ। पंडित जी का बोल रहे हैं? अरे ये बोलने की ही तो खाते हैं। और तुमने संस्कार क्या अलमारी में लपेट के रख दिए हैं? मेहमान आए हैं, जाके चाय पानी का इंतजाम करो। हाँ दया, हम अभी लाते हैं। हाँ हाँ, ये लेते जाओ। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने पहन क्या रखा है? आपकी ख्वाहिश को ही तो पहने हैं। मेरी ख्वाहिश? आपकी ख्वाहिश थी ना कि आपकी गिफ्ट की हुई नाइटी हम पहने, सो हमने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने जी, मैंने आपको नाइटी गिफ्ट नहीं की। गिफ्ट? विभू, तुमने तो तिवारी जी को टाई गिफ्ट की थी। या बेबी, मैं अपना ये टाई लेके आया था। तो टाई में इतने टी क्यों लगा रहे हैं? सीधा बोलिए ना, टाई गिफ्ट की थी। ओके, मैं टाई लेके आया था इनके लिए, टाई। तो विभू, ये टाई नाइटी कैसे बन गई? मैं तो ये कहूंगा कि इट्स अ मिरेकल। और ये माता रानी का वो अपना क्या बोलते पंडित जी, वो चमत्कार हो सकता है। तो माता रानी के पास कोई और चमत्कार नहीं है करने को जो ऐसा घटिया चमत्कार करेंगी? मुझे तो लगता है ये सब आप ही का चमत्कार है। हाँ ये भी हो सकता है। उधर मत देखो, ये टाई नाइटी कैसे बन गई? I really don't know. लाओ मत विभू, मेरी बात का जवाब दो। विभूति जी, या सर, मैं आपके घर पे गया था तो आपके नौकर ने कहा कि आप यहाँ मिलेंगे। मैं मसकली शॉप से आ रहा हूँ, हमारी गलती की वजह से आपका जो गिफ्ट आइटम था कोई और ले गया और उसका गिफ्ट आइटम आप ले आए। तो आप क्या इस आइटम की बात कर रहे हैं? जी सर। देखा तिवारी जी, मुझे पता था जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। विभू लाइए, गिफ्ट लाइए। ये लीजिए तिवारी जी, आपका गिफ्ट। हाय दया, ये आपके लिए गिफ्टियां लाए हैं। खोले खोलो, देखो तो कहाँ है। नहीं खोलने की क्या जरूरत है, गिफ्ट गिफ्ट की तरह रहे, मतलब पोशीदा रहे। और तिवारी जी अगर अकेले खोलेंगे ना गिफ्ट को कमरे में तो सरप्राइज हो जाएंगे। अब सरप्राइज नहीं विभू, यू हैव अ ग्रेट टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, आप जरूर खोलिए, बहुत खूबसूरत टाई है आपके लिए। जी टाई थोड़ी भारी सी लग रही है, गिल्ली होगी।
भभूति जी, ये है आपकी टाई। लगता है फिर बदल गया। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना हमको। अंगूरी 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 क्या हुआ? डर कर रहे हैं, वो तो हम लौकी काट रहे थे। ओहो क्या हुआ? अरे कभी अकल की चवन्नी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। परफ्यूम की जगह वो कॉकरोच मारने का स्प्रे रख दियो, अगर हम कॉकरोच आ जाते तो। हदया सॉरी, वो कहा है ना लड्डू को स्कूल जाना था तो जल्दी जल्दी में सॉरी। लड्डू के चक्कर में कहीं किसी दिन दूध की जगह हमें वो चूने का घोल मिला के मत पिला देना। हदया कहा बात कर, जाओ जाके मरले कमीज लेके आओ। ला रहे ना, नाराज मत होना। अंगूरी इस साड़ी में तुम एकदम पिस्ता लग रही हो। हाय दया, और आप कॉकरोच हैं? अखरोट लग रहे हैं। अभी तक गए नहीं? क्यों, आपको क्या लगा मैं कहीं चला गया होऊंगा? जी हाँ, नहीं इस वक्त तो आप अपने खोके पर होते हैं ना। माफ कीजिएगा, वो खोका नहीं शॉप है। हर फटीचर को अपना टाट दुशाला नजर आता। बकवास, क्या फरमाया? नहीं मैंने कहा इस वक्त तो आप अपने शोरूम पे होते हैं ना। शोरूम पे? आपको मेरे शोरूम पे होने में क्या निजी दिलचस्पी है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर मैं तो बस ये लेने आया था अपना ये एक्सक्यूज मी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं चीनी लेने आया था। चीनी खत्म हो चुकी है। एक्चुअली अनीता को मैं चाय बना रहा था तो। अच्छा अच्छा, थोड़ी बची है। अंगूरी अंगूरी, क्या बात है लड्डू के भैया? हाँ भूरभूति जी। अरे क्या ये सब है? अंगूरी जॉइन के लिए चीनी लेकर आओ। हाँ अभी लाते हैं। आप कुछ खाएंगे भरभूति जी? भाभी जी आपके हाथ के समोसे हो जाए तो। वो खत्म हो चुके हैं, हम खा गए। अरे खड़ी क्या हो, चीनी लेके आओ। अभी लाते हैं। भभूति जी। जी आप कहीं आते जाते नहीं है क्या? क्या मतलब? मतलब कहीं जॉब वॉब नहीं करते? मैं घर पे ही जॉब करता हूँ। भाभी जी के कपड़े वपड़े धोते होंगे। एक्सक्यूज मी, मैं बीमा का हाई प्रोफाइल एजेंट हूं और घर से ही ऑपरेट करता हूं। और बाय द वे मेरी वाइफ अनीता इतना कमा लेती है अपनी ग्रूमिंग क्लासेस से कि मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर वेरी वेल ऑफ, वी हैव इनफ मनी टू सर्वाइव। भरभूति जी, इचिनी इज समोसा। भाभी जी थैंक यू। पत्नी कमाऊ पति पकाऊ। आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। पत्नी गालिब की खूबसूरत गजल और पति किसी घटिया शायर का सस्ता शेर। ये कुछ कहा आपने? जी नहीं। प्रतीक्षा समोसा था, मजा। बेबो कहाँ गए थे तुम? ये अपना और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये चीनी है, चीनी लेने गया था वो
तिवारी जी के यहाँ। क्या घर में चीनी से भरा हुआ डब्बा रखा है और तुम पड़ोसियों से चीनी मांगने गए थे? एक्चुअली बेबी क्या हुआ, रात को मैं उठा था, मुझे चाय की तलब लगी थी तो मुझे चीनी मिली नहीं, तो मुझे लगा कि चीनी खत्म हो गई, तो मैं जाके सुबह सुबह तिवारी जी के यहाँ से ले आया। वाह वाह वाह, रोज सुबह तुम चाय बनाते हो, स्लैब के ऊपर लाल रंग का इतना बड़ा डब्बा रखा हुआ है शक्कर से भरा हुआ, तुम्हें दिखा नहीं? डार्लिंग मैं समझा वो नमक है, नमक है। हाउ नाइस, तुम्हें चाय की पत्ती मिल गई? हाँ, वो चाय की पत्ती मिल गई। शुक्र है, तुम्हें चाय की पत्ती गरम मसाला नहीं लगी। डार्लिंग कलर ब्लाइंड थोड़ी हूँ। बट एक बात कहूँ डार्लिंग, ये येलो कलर तुम्हें बहुत सूट करता है। आई थिंक इट्स योर कलर। एक मिनट विभू, वो तुम्हारे बीमा के टारगेट का क्या हुआ? बेबी क्या करूँ, सुबह से शाम तक मैं कम से कम 25 फोन करता हूँ, कोई पॉलिसी लेते ही नहीं, लगता आजकल मार्केट डाउन चल रही है। विभू तुम्हारे फोन करने से कुछ नहीं होगा, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, तभी तो बीमा बिकेगा ना। Yes, of course, I'm trying, I'm on it, don't worry. Oh, really, यार? Yeah. एक महीना हो गया तुम्हें बीमे के टारगेट को मिले हुए, तुमने एक पॉलिसी नहीं बेची? बेचूंगा, don't worry, I'm trying hard, I'll do it. तो वेट किस बात का कर रहे हो? जाओ, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, पॉलिसी बेचो। Okay. मैंने बता दिया, इस बार तुमने पॉलिसी नहीं बेची ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। डार्लिंग बस ये मत कहा करो कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, कुछ भी कहो मेरा दिल टूट जाता। मस्का मत लगा, बाहर जाओ, पॉलिसी बेचो। बेबी आई लव यू। नो मस्का। दिव्या भी ना एक बार शुरू हो जाती तो शुरू हो ही जाती। देखो तिवारी जी घर से बाहर निकले कि नहीं निकले। और खैरियत? मजे में मजे में। आप कैसे तिवारी जी, ठीक हैं? ये तिवारी तो सुबह से बैल की तरह खूंटे से बंधा हुआ है, कहीं जा ही नहीं रहा। कुछ करना पड़ेगा विभूति, डू समथिंग। लड्डू के भैया। लो आपकी चाय। क्या बात है, दुकान नहीं जाओगे? हाँ, कच्चे बनियान बेचने? अब तुम भी हम पे दबाव डालोगी? हेलो। हेलो, मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं? हाँ, मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं। वही तिवारी बोल रहे हैं ना जो कच्चे बनियान का जरील धंधा करते हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप, कच्चे बनियान का बिजनेस कोई जलील बिजनेस है? और आप क्या कच्चे बनियान नहीं पहनते? हम ना पहनते भैया कच्चे बनियान। तब तो आपसे बड़ा जलील कोई नहीं है। हम जलील नहीं बेटा, हम खलील बोल रहे हैं। कौन खलील? बस खलील एंड खलील कंपनी का मालिक बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हमें कच्चे बनियान चाहिए बेटा। जनाब अभी तो आपने कहा कि आप कच्चे बनियान नहीं पहनते। फुगनी के पहनते नहीं पहनाते तो हैं। हमें अपने स्टाफ को 1,00,000 कच्चे बनियान गिफ्ट करने हैं। 1,00,000? क्या बेटा गिग्गी बन गई? फुगे पहुंच जाए आपने, चल। माफ कीजिए, खोखा नहीं वो दुकान है। तू बोलता होगा दुकान, हम तो खोखा बोले हैं उसको। भाई काम कर, 5 मिनट पहुंच जाए बेटा। अरे निकल रहे हैं महाराज, इतने उतावले काहे हो रहे हैं? अंगूरी अब इतना भी नहीं गुदगुदा दिए हैं। कहिए बड़ा, देख 5 मिनट में ना पहुंचा ना तेरा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। हाँ तो ठीक है, कर दीजिए। इतना कभी नक रहा? हाँ, क्या तू टाइम ले ले अपना? कितना टाइम लेगा? 1/4 घंटा लगेगा। तू घंटा ले ले, लेकिन पहुंच जा।
मनमोहन तिवारी। एक तो भाभी जी से मिलना नहीं हो पा रहा है, ऊपर से बेवक्त के आर्डर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तिवारी। ठीक नहीं कराई। और ये क्या तरीका है सेठ जी, सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी तक घर पे पड़े हो? क्या बकरा है? बक नहीं रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। एक दिन आपकी वजह से मेरी नौकरी छूट जाएगी। अबे मेरी वजह से तेरी नौकरी कैसे छूट जाएगी? सीधी सी बात है, आप टाइम पे खोखा नहीं खोलोगे, कस्टमर आके लौट जाएंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा खोखा बंद हो जाएगा और मेरी नौकरी चली जाएगी। चल बकवास मत कर, जाके दुकान खोल जा। कौन आए हैं? अरे टिल्लू भैया, कुछ खाओगे का? हाँ भाभी जी, आप पराठे पैक कर दीजिए। अच्छा। अबे हमारे होने वाले बच्चे का मुंडन नहीं है, और ये मेरा साला नहीं है जो मैं इसकी दावत करूं। चलो जाओ यहाँ से। तू जाना? जाता हूँ। ये दे यहाँ। मेरा मोबाइल है। अबे आ रहे हैं, दुकान पे आके देते हैं। 10 रुपए बैलेंस रह गया इसमें। अबे उत्ते की जरूरत है, चल जा। और सुन, कोई खलील नाम का कस्टमर आया ना, उस तमीज से बिठा लियो। जलील खलील। मेरा मोबाइल है, तेरी जा रही हूं। अरे व्हाट, अगली बार अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश करे ना, तो कान के नीचे खींच के एक देना। हाँ हाँ, वो भी अकेले में। डोंट वरी, वो अपनी बदनामी के डर से कुछ नहीं बोलेगा किसी को। अरे तुम करो तो सही, फिर देखो रिजल्ट। हेलो 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 डाली, किसका फोन है? पता नहीं, कोई हेलो के आगे कुछ बोल ही नहीं रहे। इधर ला। हेलो, मैं कौन बोल रहा है? हेलो, आप विभूति नारायण बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं, बोलो। वही विभूति नारायण ना जो अपने बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है? अबे कौन भैया आदमी बोल रहा है? What do you mean कि मैं अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहा हूँ? What do you mean by that? हाँ? भाई साहब, अब जब काम धंधा नहीं करेंगे तो लोग तो यही सोचेंगे ना। अबे जलील आदमी, सामने आके बोल, बताऊंगा तुझको मैं। भड़क क्यों रहे हैं? दरअसल हम तो आपको फोन इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको इस तोहमत से निजात दिला सकें। अभी तो कहना क्या चाहता है, ये बोल। देखिए क्या है कि हम पुराने कानपुर से गुप्ता बोल रहे हैं। हमारे 15 तबेले हैं जिसमें 1000 भैंसे हैं, तो उनका बीमा करवाना है, तो तुरंत पुराने कानपुर पहुंच जाइए। भैंसों का बीमा करवाना? भैंसों का? हाँ कुत्ते। हमारे 15 तबेले हैं जिसमें 1000 भैंसे हैं, तो उनका बीमा करवाना है, तो तुरंत पुराने कानपुर पहुंच जाइए। भैंसों का बीमा करवाना? भैंसों का? हाँ कुत्ते। क्या प्रॉब्लम है विभू? कोई उल्लू बना रहा है यार। नहीं विभू, तुम्हें पता नहीं है आजकल लोग क्या क्या इंश्योर करा रहे हैं। लोग अपनी नाक इंश्योर करा रहे हैं, फुटबॉलर्स अपने पैर इंश्योर करा रहे हैं। इनफैक्ट जेनिफर लोपेज ने तो अपनी तुम भैंसों पर ध्यान दो, भैंसों पर ध्यान दो। पुराने कानपुर बुला रहा है यार। अरे तो क्या हुआ, लंदन थोड़ी ना बुला रहा है, चले जाओ। हाँ भैया, एड्रेस बोलो। हाँ हाँ ठीक है, चल अब निकल भी ले, कब पहुंचेगा? निकल रहे हैं, निकल रहे हैं भैया, निकल रहे हैं। हाँ। क्या लपेटा है भभूति नारायण को तिवारी। बताओ, मुझे कह रहा कि मैं अपनी बीवी के टुकड़ों में पल रहा हूं। तुम्हें कहा, तुम भी प्यार प्यार में कह गई हैं। एक टुकड़ा और दो, बड़ा वाला देना। अब भाभी जी से मिला जाए।
अब सुन लिया का? का, का, का हुआ हुआ, हुआ क्या? हम आपके लिए समोसा लाए हैं। कहा अंगूरी, कम से कम टाइम तो देख लिया करो, अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था, समोसे काहे ले आई? पता है आलू कितने महंगे हो गए। हमने बड़े प्यार से बनाया था आपके लिए, ठीक है मत खाइए। नहीं अंगूरी, अरे तुम कोई भी चीज नफरत से कहाँ बनाती हो, लाओ खाओ। आप पहले। अब आप। अंगूरी, आज फिर तुम पे प्यार आ रहा है। और हमको शर्म आ रहा है। भाभी।